बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल जलाल के फजल व करम से माहे ज़ुलहज का बाबरकत महीना जारी है। इस महीने के पहले 10 दिनों के अंदर बढ़ चढ़ कर अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि नफली इबादत है जितनी भी इंसान करे अपने लिए, तो अल्लाह ताला इस महीने के अंदर इन 10 दिनों के अंदर बढ़ चढ़ कर हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो चूँकि क़ुरबानी के अयाम हैं, तो क़ुरबानी के अयाम में एक बड़ा ही अहम मसला क़ुरबानी के जानवर के हवाले से कि क़ुरबानी के जानवर के अंदर अकीक़े का हिस्सा डाल सकता है या कि नहीं। तो हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो इसकी मुखालफत करते हैं कि क़ुरबानी के जानवर के अंदर अकीक़े का हिस्सा नहीं डल सकता। तो मेरे भाई, क़ुरबानी के जानवर के अंदर अकीक़े का हिस्सा डल सकता है। क़ुरबानी के जानवर में आप अकीक़ा, बच्चे का अकीक़ा कर सकते हैं, और अकीक़े के लिए ये बच्ची का एक हिस्सा होता है, बच्ची का एक जानवर है, बकरा है तो एक जानवर, और अगर लड़का है तो उसके लिए दो जानवर ये किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने गाय ज़िबा कर रहा है तो उसके चार हिस्से हैं, तो बाकी तीन हिस्से नहीं हैं, और वो तीन हिस्से अपने बच्चों के अकीकों के लिए मुख्तस कर रहा है, तो उसके लिए ये जायज़ है कि वो क़ुरबानी के जानवर के अंदर, बड़े जानवर के अंदर अकीके का हिस्सा डाल सकता है। अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।